उमा जी हैं करनाल से, स्वागत है आपका। नमस्कार सर। भाई साहब, मैं करनाल से बोल रही हूँ। मैंने पहले भी आपकी दवा ली है, बोन पिया लिया है, वो एलो प्लस कैप्सूल लिया है और सिरका लिया है, जैतून का सिरका जी। हाँ, मैं अगस्त से आपकी दवा ले रही हूँ। गोमसिया का दूसरा डब्बा मंगाया था मैंने, मेरे कमर में जो दर्द था भाई साहब वो तो ठीक हो गया है, लेकिन मेरे घुटनों में अभी भी दर्द है। ठीक है, मेरे घुटने में सूजन है, उससे दर्द होती है। साथ में मैंने अलसी भी खा रही हूँ, इस भी ज्यादा हो गई। मैंने कुछ लगता है कोई ठंडी चीज ले ली जिससे कि वो वायु विकार हो गया, क्या हो गया, इस कारण दुखता है बहुत ज्यादा। दूसरा मेरा सवाल जरूर सुनिएगा, मेरे हस्बैंड के बारे में है। उनको मुंह में सुपारी पान बहुत खाते थे, उसके कारण ना दांत पैने हो गए, दांत के अंदर मांस गाल का फंस गया और वो गांठ सी बन गई। तम्बाकू भी खाते थे तो उसके कारण गांठ बन गई। वो दांत वाले के पास गए, उसने दांत घिसे और देखा, फिर उसने कहा आप दिल्ली जाओ और उसकी बायोस्पी टेस्ट कराओ। लेकिन बायोस्पी टेस्ट अभी नहीं कराया है, गांठ में पहले से फर्क है, डॉक्टर का ट्रीटमेंट ले रहे हैं। तो आप मुझे बताइए इसके लिए कोई देसी दवाई है क्या? ठीक है, हाँ। अच्छा देखिए, बहुत मुबारक के आपके कमर का दर्द चला गया, और यूनानी दवाएं धीरे धीरे फ़ायदा करती हैं, किसी को बहुत जल्दी, किसी को थोड़ा देर में। अगर हेल्दी हैं आप ज़्यादा तो थोड़ा वेट लॉस करें। मेरा मशवरा है कि डाइट कंट्रोल के ज़रिए, ठीक है। और दवाएं भी आती हैं इससे ताल्लुक से, लेकिन अगर डाइट कंट्रोल से करें तो बहुत अच्छा। और आपने अलसी भी ले ली है, और एक आपके घर में ये वेस्टर्न टॉयलेट, कुर्सी वाला टॉयलेट ज़रूरी है, और आपके वास्ते। और एक ये ज़रूरी है कि देखिए, महिलाएं और ये ऐसा नहीं कर सकती हैं कि वो बाज आ जाएं। जैसे मैं कहता हूँ कि पोंछा नहीं लगाना, झाड़ू नहीं देनी, तो मत करिए कुछ दिन अगर आप ऐसा करते हैं। मैं आप पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, लेकिन मैं महिलाओं को जानता हूँ, वो अगर पति बना भी करे तो उसके पीछे कर डालते, मेहनती होती है महिलाएं, तो कुछ दिन मेहनत का काम नहीं करना है, किसी और से करा लें। और आप थोड़े दिन और इंतज़ार करें, आपको फ़ायदा मुमकिन है। और वज़न थोड़ा कम कर लें अगर वज़न ज़्यादा है, वरना इसी से आपको फ़ायदा मुमकिन है। गौंसिया आधा आधा ग्राम खाना है, अगर आप कम खा रहे हैं तो उसे आधा आधा ग्राम कर दीजिए, दो बार कर दीजिए। ये आपका अभी मुझे उम्मीद है कि आपको और भी फ़ायदा मुमकिन है। और आपके पति के जो डॉक्टर ने, दरअसल वो क्या चाहते हैं कि उनकी बायोप्सी कराएं। बायोप्सी अक्सर कैंसर मरीजों की होती है, लेकिन उनको फ़ायदा हो रहा है तो वो ठीक है, फिक्र की बात नहीं है। और ये जो मेथी है ना, मेथी का पाउडर बना लें, ठीक है। और आधा चम्मच मेथी का पाउडर एक गिलास गर्म पानी में डालें, खूब गर्म पानी में, और एक चुटकी खाने का सोडा इसमें डालें। और पति देव से कहिए कि इसको चाय की तरह गरम गरम चुस्कियाँ लेकर पिए, इतना गरम हो कि जैसे चाय गरम गरम पीते हैं, रोज़ाना एक बार पी लिया करें, आपके पति को फ़ायदा मुमकिन है।